सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट ईयर के पेपर वन के सिलेबस के बारे में। ओके, सिलेबस आपका न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। न्यू सिलेबस 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 दिए जाएंगे और बीए फर्स्ट ईयर के बारे में चर्चा होनी है। इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य के बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजी साहित्य के सिलेबस के बारे में हमको जानना है। आखिरकार बीए फर्स्ट ईयर में जब आप प्रवेश करते हो तो आखिरकार आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर वन पोएट्री जिसका नाम है, तो आप अगर आपके भी पेपर का नाम पोएट्री है तो ध्यान रखेंगे। एक बार मैं बता दूं, हो सकता है आपकी में पोएट्री जो हो सेकंड ईयर में शामिल हो, प्रोज फर्स्ट ईयर में शामिल हो, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे। आप दोनों को मैनेज करिएगा। अगर आप में पोएट्री सेकंड ईयर में शामिल है तो भी यह सिलेबस आपका फॉलो हो सकता है। अगर आपकी मान लेते फर्स्ट ईयर में तो आपका फॉलो होगा। तो इस प्रकार से एक बार जब अपना सिलेबस आएगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, वैसे मैं बता दूं अधिकतर विश्वविद्यालय में आपका यही सिलेबस फॉलो होता है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। क्योंकि ये जो होता है अधिकतर अलग अलग विश्वविद्यालय, हिंदी और अंग्रेजी की खास करके बात करूँ तो हिंदी और अंग्रेजी में अधिकतर विश्वविद्यालय अलग अलग थोड़ा सा मतलब एक आध दो कवियों के, जैसे कि जिसमें जो आपके जो है पोएट वगैरह संकलित हैं तो पोएट में हो सकता है थोड़ा सा एक आध पोएट उसमें अलग पूछ दे, इसमें अलग पूछ दे, या पोएट की जो रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं उन रचनाओं को हो सकता है थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए, तो बस उतना सा अंतर हो सकता है किसी विश्वविद्यालय से किसी विश्वविद्यालय में। बाकी अधिकतर सिलेबस जो होता है लगभग सेम ही होता है, क्योंकि पढ़ना उनको भी यही है और आपको भी यही पढ़ना होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि आपको कोई दूसरी रचना पढ़नी होती है, मतलब कोई दूसरी जो एक प्रकार से जो पोएट्री पढ़नी होती है आपको कोई दूसरी पोएट्री पढ़नी होती है, मतलब सेम मतलब लगभग सेम ही होता है, बट अंतर होता है। ठीक, अब ऐसा नहीं कह सकते कि अंतर नहीं होता। सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, मिलिट्री साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सभी में खास करके अंतर बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ता है, बट हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो उसमें अंतर मिलता है। लेकिन आप लोग देखिएगा इसको, इसमें लगभग यही इससे शामिल होते हैं, अभी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अब चलिए हम बात करते हैं। तो आपका प्रश्न पत्र मतलब कि आपका जो पेपर है वह 3 इकाइयों में बटा हुआ है। इकाई 1 मतलब यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ध्यान रखेंगे जब भी बात की जाए किसी भी विषय वस्तु को, तो यह बात ध्यान रखने योग्य होती है कि यूनिट जो होती है उसमें मतलब यूनिट जो होती है एक प्रकार से क्या होती है, विभिन्न लेसन्स के मतलब लेसन्स ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड यूनिट, मतलब जो लेसन्स होते हैं मतलब जो जो आपके अध्याय होते हैं वो एक मतलब की कैटेगरी के जो अध्याय होते हैं या फिर एक काल के जो कवि होते हैं उनको हम एक अध्याय में दूसरे काल के मतलब कि एक उसको इनको एक हम यूनिट में रखते हैं और दूसरे वाले को दूसरे यूनिट में हम रख देते हैं, मतलब सेम जो है लगभग ये सब सेम के कैटेगरी के लगभग रहे होंगे, तो इनको हमने इसमें रखा यूनिट 2 में, इस प्रकार से रखा यूनिट 3, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कटके मतलब कि हमने ग्रुप डिस्कशन कर लिया कि 4 महीने में हमको ये समाप्त करना, 4 में है, 4 में है, मतलब 4 तीन 12 महीने में हमको इसको इस प्रकार से पढ़ लेना है, या 3-3 महीने में हमको समाप्त करना है, इस प्रकार से जो है बांटने के लिए एक प्रकार से आसानी हो जाती है, इसलिए यूनिट वाइज डिवीजन मतलब डिवीज़न किया जाता है। अब चलिए यहाँ पर बिना समय गंवाए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस क्या है। यूनिट 1 आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जियोफ्रे चौसर। जियोफ्रे चौसर जो हैं एक प्रकार से एक पोएट हैं, और इन पोएट की जो है आपके पाठ्यक्रम में कौन सी रचना संकलित है, कौन सी है, तो जो है पोएरिस। क्या है? पोएरिस। ठीक, ओके, तो ये प्री ओरेस जो है इनकी रचना है, दी पी ओरेस प्री ओरेस, तो ये रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ध्यान रखेंगे किसकी है, तो जियोफ्रे चौसर की है। ओके, प्रोनाउंस जो होगा थोड़ा बहुत अगर इधर उधर मिसमैच हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के छात्र रहा हूँ तो इसलिए अंग्रेजी में थोड़ा तो बहुत तो मतलब प्रोनाउंस में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, तो बट उसको मैनेज करेगा। लिखा हुआ है आपके सामने तो उसको आप खुद भी देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मुद्दा आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पाठ्यक्रम में कौन संकलित है, विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण अगर नाम अंग्रेजी साहित्य के कोई व्यक्ति करता है तो विलियम शेक्सपियर का नाम उनमें सबसे पहले आता है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में यहाँ पर देखेंगे, विलियम शेक्सपियर की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में, तो विलियम शेक्सपियर के कुछ सॉनेट आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। कौन, क्या सॉनेट, तो आपका सॉनेट नंबर 138 आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और इसका नाम है 138, व्हेन माई लव। क्या, व्हेन माई लव, तो इसको हमको पढ़ना है। वहीं नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप, जैसे आपको जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक रचना है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो इसको शायद आपने इंटर में ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ा होगा,
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटर में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो ये बीए में भी आपको पढ़ना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये रचना किसकी है? जॉन मिल्टन की है। ओके, जिस प्रकार से सूरदास थे ना कहीं पे, जॉन मिल्टन भी उसी प्रकार से कहीं ना कहीं पे थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब अंधेपन पर इन्होंने लिखा है, ठीक, ये पोएट्री लिखी है। नेक्स्ट है आप देखेंगे अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की आपके पाठ्यक्रम में कौन सी रचना है? यस्से ऑन मैन। क्या? यस्से ऑन मैन, इन्होंने ये रचना लिखी है, मतलब कि पोएट्री है। तो यस्से ऑन मैन पोएट्री, आपके पेपर का नाम है पोएट्री। पोएट्री मतलब क्या होता है? काव्य। हिंदी में आप जिसको काव्य कहते हो उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं, ठीक। काव्य या फिर पद्य, काव्य या फिर पद्य मतलब कि जो रचनाएं मतलब कि एक प्रकार से गे पद में होती हैं, इसमें राइमिंग वर्ड समान होता है। राइमिंग वर्ड मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं हिंदी में राइमिंग वर्ड आप देखते होंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, लास्ट में क्या मिला? बड़ी की मात्रा मिली और हारी री, मतलब हारी। और नेक्स्ट पढ़ेंगे तो मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवो शुद्ध असर तजर बिहारी, तो हारी और बिहारी मिला वहाँ पर, ठीक। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आपको राइमिंग वर्ड उसी को कहते हैं, जो लास्ट वाला होता है तुक मिलता नहीं, उसी को राइमिंग वर्ड बोला जाता है। तो वहाँ पर राइमिंग वर्ड आपका मिलता रहता है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसी रचना जो कि गे पद में होती है मुख्य रूप से, यहाँ पर हम यस्से ऑन मैन देखेंगे। और इसकी एक प्रकार से जो है एपिस्टाइल, लगभग सेकंड एपिस्टाइल सेकंड है। और एपिस्टाइल सेकंड में लाइंस की बात की जाए तो वन लाइन से लेकर के टू मतलब प्रकार से 25 लाइन तक हमको देखना है। मतलब कि एपिस्टाइल सेकंड में लाइंस वन से लेकर के 25 तक, ओके, यस्से ऑन मैन, ठीक। तो ये मुद्दा आपका चार लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इकाई दो में प्रवेश करते हैं, मतलब यूनिट टू में प्रवेश कर लिए। यूनिट टू में गए तो हमारे सामने जैसे आ गए फिर और कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन, क्या आ गए भाई? इनका क्या नाम है? विलियम वर्ड्सवर्थ आपके पाठ्यक्रम में संकलित होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना आपके पाठ्यक्रम में दो रचनाएँ मुख्य रूप से हमको दो इनकी पोएट्री देखनी होती है। पहली पोएट्री है द वर्ल्ड। क्या? द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। क्या? द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये इनकी पोएट्री का नाम है, शीर्षक है। और नेक्स्ट है आपका द सोलिटरी रेपर। ओके, द सोलिटरी रेपर, ओके। तो यहाँ पर ये दो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो कि किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं पी बी सेली। पी बी सेली की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है भाई? पी बी सेली की कौन सी रचना है आपके पाठ्यक्रम में? तो टू आई स्काई लार्क। क्या? टू आई स्काई लार्क आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पी बी सेली की है। ये भी पोएट्री आपको देखनी है। तो ये इतनी चीज़ें मतलब छः चैप्टर तक आप पढ़ेंगे। उसके अंदर सातवें के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? जॉन कीट्स महोदय के बारे में। जॉन कीट्स की रचना आपके पाठ्यक्रम में दो रचनाएँ मुख्य रूप से आपके इस पाठ्यक्रम में हैं। पहली रचना है ऑन फर्स्ट लुकिंग। क्या? ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैप मतलब कि चैपमैंस और उसके बाद में होमर। तो चैपमैंस होमर के बारे में हमको, यानी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैंस होमर, ये रचना का नाम है, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट दूसरी रचना आपके पाठ्यक्रम में है ओड द ऑटोमन। क्या? ओड द ऑटोमन, तो ये हमको पढ़ना है, ठीक। तो ये दोनों रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में इनकी संकलित है, किसकी भाई? तो जॉन कीट्स की। तो यहाँ पर आप इन्हें यूनिट टू भी कंप्लीट कर लिया। यूनिट टू की जो रचनाएं थी हमने उसको भी आपको बता दिया। तो यूनिट वन आपने देखा जॉफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और अलेक्जेंडर पोप, और पांचवे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, और छठवे आपके पी बी सेली, और सातवें आपके जॉन कीट्स। तो सात यहाँ पर आपने देख लिया, इनकी रचनाओं को आपने देख लिया, ठीक। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले हैं आपके अल्फ्रेड लॉर्ड। क्या? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं एक प्रकार से पोएट हैं, और इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में यूलिसिसस। क्या? यूलिसिसस आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इनकी रचना है, ठीक। नेक्स्ट हैं आपके रॉबर्ट ब्रोबनिंग। रॉबर्ट ब्रोबनिंग जो हैं उनकी दो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, एक तो भाई प्रोस्पाइस हो ही गई, और पहली आपकी माई लास्ट डचेस। ओके, तो पहली रचना माई लास्ट डचेस, और दूसरी कौन सी है? प्रोस्पाइस। किसकी है? रॉबर्ट ब्रोबनिंग की है। किसकी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। ओके, ध्यान रखेंगे ब्राउनिंग, तो कुछ भी आप ब्रोबनिंग या फिर ब्राउनिंग, जो भी आप ब्राउनिंग, अब प्रोनाउंस जो होता है हिंदी में कुछ अलग तरीके से होता है। आप जो है इंग्लैंड से होंगे तो आपकी जो एक प्रकार से बात की जाए तो जो है आपकी प्रोनाउंस कुछ अलग होगी, या फिर आप इंग्लिश के छात्र हैं तो आपकी प्रोनाउंस हो सकता है थोड़ी और अच्छी हो, ठीक। तो बोलने का अपना अपना ढंग होता है। इसे अब हिंदी बोलने की बात करी जाए तो हिंदी मेरा जो है एक प्रकार से हिंदी थोड़ा अच्छा बोल ले जाएंगे, हिंदी की अपेक्षा बात की जाए अंग्रेजी थोड़ा कम अच्छा बोल पाएंगे, बट उसको तो आप लोग मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखें अगले हैं आपके मैथ्यू जो है अर्नाल्ड।
और मैथ्यू अर्नॉल्ड की जो रचना आपके सामने पाठ्यक्रम में संकलित है कौन सी है भाई, तो डोवर बीच। कौन सी रचना है? डोवर बीच आपकी रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आपने देखा ये सारी की सारी रचनाएं और सारे के सारे जो पोएट हैं यानी कवि हैं आपने समझ लिया इनको, मैथ्यू अर्नॉल्ड, डोवर बीच, रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस, और दूसरी कौन सी है? प्रोस्पाइस। अगले हैं आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और उनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? यूलिसेसस। जॉन कीट्स की कौन सी है? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्स, जो है चैपमैन्स होमर। दूसरी कौन सी? ओवर द ऑटोमन। नेक्स्ट है पी बी सेली टू अ स्काई लार्क। नेक्स्ट है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी कौन सी है? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एंड द सॉलिटरी रैपर। तो ये दो रचनाएं इनकी हैं, किसकी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। उसके बाद में अलेक्जेंडर पोप की बात की जाए तो यस्से ऑन मैन इनकी रचना है, जो है एपिस्टाइल सेकेंड यानी द्वितीय। और लाइन्स की बात की जाए तो 1 से लेकर के 25 तक, मतलब 1 से लेकर के 25 तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट जॉन मिल्टन है, ऑन हिज ब्रांड रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट है भाई आपके विलियम शेक्सपियर, उनकी सॉनेट नंबर 138 यानी व्हेन माय लव आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वहीं बात की जाए जॉफ्रे चौसर की तो वो आपकी द प्रीओरेस, ठीक, तो प्रीओरेस तो जो है आपके पाठ्यक्रम में, द प्रीओरेस आपके पाठ्यक्रम में संकलित, जो किसने लिखा है? जॉफ्रे चौसर ने लिखा है। इतने कभी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जॉफ्रे चौसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी बी सेली, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू अर्नॉल्ड। ये 10 जो हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, इनको हमको पढ़ना है, ठीक। तो इनको एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में, और इसके बाद में हम सेकंड पेपर के सिलेबस को भी आपको बता देंगे। उसके बाद में सेकंड ईयर का सिलेबस, थर्ड ईयर का भी सिलेबस बता देंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट से इसी प्रकार से बने रहे। अगर आपका विषय और भी आपने लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, ज्योग्राफी लिया है, हिंदी साहित्य लिया है, संस्कृत साहित्य लिया है, यहाँ तक की बात की जाए आपने मिलिट्री साइंस लिया है, आपने साइकोलॉजी लिया है, दर्शन शास्त्र लिया है, ऐसे तमाम प्रकार के आपने होम साइंस ले रखा है, या किसी प्रकार की जो भी मैं सब्जेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, तमाम सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उन सभी को लिया है, तो उन सभी के सिलेबस वगैरह के बारे में और उनसे संबंधित जो है लेक्चर्स के बारे में, मॉडल पेपर्स के बारे में हम आपको वीडियोस देने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप अभी हमारे चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी सदस्यता ग्रहण करके अपने आप को एक प्रकार से अच्छी जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के साथ, मतलब कि पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उससे पहले बता दूं, हिंदी साहित्य का लेक्चर अपलोडेड है, ज्योग्राफी का भी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। पेपर 1 संबंधित अपलोडेड, पेपर 2 भी अपलोड हो चुका है हिंदी का, ज्योग्राफी का भी नहीं अपलोड हुआ बाकी है, और भी तमाम सारे सब्जेक्ट के अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि बात की जाए जो है और भी सब्जेक्ट के अपलोड हो चुके हैं, और जल्द ही अन्य सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं सबके सिलेबस के बारे में बता दूंगा। सिलेबस के बाद में फिर आपकी क्लासेस और भी आगे प्रारंभ की जाएंगी। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।